भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 सीरीज के पहले मैच में भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद खुद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी माना कि पहले टी20 मैच में भारतीय टीम की ओर से कुछ गलतियां हुई, जिसकी वजह से उसे मैच गंवाना पड़ा। तो आज हम आपको राजकोट में होने वाले दूसरे टी20 मैच से पहले उन दो अहम बदलाव के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी बदौलत भारतीय टीम इस सीरीज का एक दूसरा मैच जीत सकती है। सबसे पहला बदलाव, नंबर 3 पर केएल राहुल की जगह संजू सैमसन का चयन। विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि केएल राहुल सीरीज के दौरान बेहतरीन शुरुआत करेंगे, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 मैच में काफी निराश किया। उन्होंने 16 गेंदों में महज 14 रनों की ही पारी खेली। अब ऐसे में दूसरे टी20 मैच से पहले भारतीय टीम को केएल राहुल की जगह संजू सैमसन को टीम में नंबर 3 पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी देनी चाहिए। दूसरा बड़ा बदलाव, खलील अहमद की जगह शार्दुल ठाकुर का चयन। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 मैच में खलील अहमद को शार्दुल ठाकुर पर तरजीह देते हुए प्लेइंग 11 में शामिल किया गया, लेकिन उन्होंने सभी को निराश किया। खलील अहमद ने पहले मैच में 4 ओवर में 37 रन देते हुए महज 1 विकेट ही लिया। वहीं उनके इस निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दूसरे टी20 मैच में टीम प्रबंधन खलील अहमद की जगह किसी अन्य गेंदबाज को मौका दे सकते हैं, और वो दूसरा गेंदबाज है शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर ने 60 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 8.80 की इकोनॉमी रेट से मात्र 8 विकेट ही लिए हैं, लेकिन फिर भी टीम प्रबंधन उन पर भरोसा कर उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल कर सकता है। तो ये है वो दो बदलाव जो भारतीय टीम को बांग्लादेश के खिलाफ राजकोट में होने वाले दूसरे टी20 मैच में करने चाहिए। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।